ECL का अधिकारी बताकर मोटरसाइकिल सवार युवक ने ECL के अवकाश प्राप्त श्रमिक से रुपए और सोने की अंगूठी लेकर चंपत हो गया। जानकारी देते हुए नितुरिया के पारबेरिया कोलेरी आमडांगा निवासी अवकाश प्राप्त ECL श्रमिक रामदेव धोबी ने बताया कि बीते माह ही वह ECL की पारबेरिया कोलेरी से रिटायर हुए हैं। मंगलवार के दिन वे कामवश ECL मुख्यालय और सांगतोड़िया भारतीय स्टेट बैंक गए थे। इसी दौरान सांगतोड़िया स्टेट बैंक के सामने उन्हें एक युवक मोटरसाइकिल पर बैठा मिला, जिसने उन्हें बुलाकर ECL सोदपुर एरिया का बड़ा अधिकारी बताया और कहा कि अरे तुम मुझे नहीं जानते हो, कहा कब रिटायर कर गए और अब तक PF ग्रेचुटी के पैसे मिले कि नहीं। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक आसपास खड़े कुछ युवकों ने उन्हें पकड़कर उसकी गाड़ी पर बैठा दिया और वह युवक गाड़ी लेकर चलता बना। उन्हें सोदपुर कारखाना के पीछे स्थित एक मैदान में ले जाकर फाका जगह पर उतार दिया तथा उनके पास स्थित एक सोने की अंगूठी, पॉकेट में रहे 500 रुपये ले लिए। इसके बाद थोड़ी दूर खड़ा कर फोटो खींचा और छोड़कर भागता बना। वे किसी तरह वहां से पुनः वे स्टेट बैंक वापस आए और अपनी खड़ी साइकिल उठाकर घर वापस लौटे। बैंक से निकला, निकलने के बाद मैंने क्या किया नहीं किया भगवान जाने, दो चक्का गाड़ी में बैठा करके लेके चल दिया। वो क्या बोला कि बैठो मेरे साथ है? हाँ। सुने ओकर बाद हमको कोई हंसे हवा से नहीं रहा कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद ले गया। लगने के बाद मैंने अच्छा, आपको बेहोश करके ले गया क्या? अब उसको कुछ पता नहीं चल रहा था एकदम। वो क्या बोला आपको सबसे पहले? क्या बोला सबसे पहले? ये बोला हमको चिंते कर देना, हम इतने अंदर में गाड़ी में बैठा बैठा करके ले चल दिया। उसके बाद में कुछ हमको कहे कुछ पता नहीं चला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है भगवान जाने। उसके बाद हम ले गया को गरंद था उधर सोदपुर वाला गरंद ने, वही गरंद में रोड दिया, वही रोड में खड़ा करके नमा दिया। नमाने के बाद मैंने वो हमारा फोटो भी खींच लिया, सारे अंगूठी था वो ले लिया, 300 रुपया रहा। पैसा भी लिया 500 500 है ये सब। अच्छा अच्छा, ऐसे हाल है मैंने 720 वो नहीं ले लो, 200 रुपया नहीं लिया। कुछ बोला आपसे? इतने बात यार कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। नाम कुछ नहीं बताया अपना? नहीं, नाम नहीं बताया। नाम शायद पूछा था कि हमारा ख्याल नहीं ठीक, लेकिन हमको फोटो लिया ठीक है, फोटो ले लिया।